हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। तो आज हम लेसन प्लान गणित विषय पर बनाएंगे, जिसमें टॉपिक है वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो आइए शुरू से देखते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 7, वादन, विषय गणित, उप विषय रेखा गणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप, जिसे डबल इन्वर्टेड कॉमेंट डबल अंडरलाइन में लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। गणित के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे पहला है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना, छात्रों को गणित की नियमों व शर्तों से परिचित कराना, छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी देते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना और छात्रों में समयानुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र वर्ग के परिमाप तथा क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों व प्रश्नों को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट, शैम्पट, संकेतक आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे और पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पहला है छात्र चतुर्भुज का अर्थ समझते हैं, दूसरा छात्र विभिन्न चतुर्भुज को समझते और ज्ञान जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछेंगे और जो कि जिगजैग होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, यह क्या है? कागज की एक शीट दिखाते हुए तो बच्चे बता देंगे कागज की शीट है। इस कागज की शीट की कितनी भुजाएं? इसकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं? 4 भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं एक समान होती है क्या कहलाता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग कहलाता है। वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल की व्याख्या कीजिए। तो ये बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, मौन हो जाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके परिमाप का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक बड़ी तालिका बनाएंगे, उसमें 7 कॉलम होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे, वर्ग तथा वर्ग का परिमाप। परिवर्तन में लिखेंगे, छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला पूछेंगे वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, तो आंसर आएगा वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग का परिमाप बताइए स्पष्ट उत्तर। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि 4 समान रेखंडों से घिरी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। वर्ग के चारों अंतः कोण 90 डिग्री के होते हैं तथा सभी भुजाएं समान व समांतर होती हैं। परिमाप, 4 भुजाओं की कुल लंबाई को वर्ग का परिमाप कहते हैं, अतः वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। एक उदाहरण द्वारा समझाएंगे, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे कि हमें दिया है भुजा बराबर 4 मीटर, परिमाप बराबर 4 गुणे वर्ग की भुजा बराबर 4 गुणे 4 मीटर, 16 मीटर, अतः वर्ग का परिमाप 16 मीटर है। इसके बाद छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और श्यामपट कार्य को पुस्तिका में नोट करेंगे। विधियों में लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, उदाहरण दिया था तो दृष्टांत विधि। श्यामपट कार्य करेंगे, जिसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि, प्रकरण, फॉर्मूला लिख देंगे वर्ग का परिमाप को और एग्जाम्पल जो कहते हैं ब्लैक बोर्ड में करके दिखा देंगे। इसके बाद इस शिक्षण बिंदु में से कोई एक या 2 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि मूल्यांकन वाले खाने में लिखना है। तो पहला पूछा कि वर्ग की चारों भुजाओं का योग कितना होता है, तो बच्चे बता देंगे 360 होता है। यदि वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा बताओ, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 16 बराबर 4 गुणे भुजा, तो भुजा बराबर 16/4 = 4 सेंटीमीटर। दूसरा डालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, वर्ग के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, तो वर्ग के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है। वर्ग का क्षेत्रफल बताइए स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे कि जो भी आकृति जितने स्थान घेरती है उसे आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। इसे भी एक उदाहरण द्वारा समझाएंगे, पहला एक वर्गाकार पार्क की भुजा 12 मीटर है, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल दिया है भुजा बराबर 12 मीटर, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे व नोट करेंगे। विधियों में लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और उदाहरण दिया था तो दृष्टांत विधि। श्यामपट कार्य में श्यामपट पेस्ट कर देंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, प्रकरण, समयावधि को फिर से लिखेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, जो एग्जाम्पल किया उसको ब्लैक बोर्ड में करके दिखा देंगे।
फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे वर्ग के क्षेत्रफल की परिभाषा व सूत्र बताइए। तो जो भी आकृति जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाती है और उसका सूत्र है भुजा स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 9 × 9 बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद उस तालिका को बंद कर देंगे और नीचे लिखेंगे कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका श्यामपट में छात्रों को उदाहरण द्वारा विषय वस्तु को भली प्रकार से समझाएंगी तथा श्यामपट कार्य को अपनी नोटबुक में लिखने को कहेंगी और कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के प्रश्न पूछेंगे। पहला है वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की विशेषताओं का उल्लेख करो। और सेकेंड है यदि किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थैंक यू। Oh, 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 oh